अश्लील फोटोज जिन्हें कंप्यूटर से तैयार किया गया था, उन फोटोज को देख के भैया पे इतना कीचड़ उछाला गया, इतना प्रेशर डाला उन पे अपने और अपने परिवार की इज्जत को बचाने का कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। एक केयरिंग बेटा, एक डेडिकेटेड हस्बैंड, एक लविंग फादर, मेरा भाई जो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ाई जो ना उन्होंने शुरू की थी ना जिसका हिस्सा वो कभी बनना चाहते थे। एक्सक्यूज मी सर, रवि जी को होश आ गया है। कुसुम, एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ी देर के लिए ये ले जाऊं, जल्दी वापस कर जाऊंगा। थैंक यू। मेरा मकसद यहाँ आके झंडा उठाने का नहीं है, मैं एक मामूली सी लड़की हूँ जिससे उसके भाई का दर्द नहीं देखा गया, उसके परिवार की चोट नहीं बर्दाश्त हुई। बस इसलिए आप लोगों के पास आ गई, ताकि आप में से किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा उस हालत तक ना पहुंचे जो मेरे रवि भैया के साथ हुआ। रवि, तू ठीक है ना बेटा? सॉरी मैं मारूंगी दोबारा ऐसा कुछ किया तो। ये मजबूत हाथ जिनकी कलाई पे हम राखी बांधते हैं, इनकी भी एक कमजोरी होती है, उनकी इज्जत। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोई उनकी कमजोरी का फायदा ना उठाए? पल्लवी है जी भैया, यकीन मानिए अगर हमने उनका साथ दे दिया तो कोई भी हमारे घर की दीवारों को भेद नहीं पाएगा। कोई भी वर्ग, कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई भी जेंडर, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। बुरे होते हैं तो लोग। अगर आदमी बुरा हो सकता है तो औरतें भी बुरी होती है, जो झूठे केसेस बना के अच्छे आदमियों की जिंदगी तबाह कर सकती है। मेरी किस्मत है कि मेरी फैमिली में जितने भी मेल्स हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भैया, चाचा जी, पापा सबके साथ बहुत प्यारे एंड केयरिंग एंड लविंग है। क्या आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हो तब कोई उनपे पीछे से वार ना करे? क्या हम एक बार अपनी सोच पर गौर नहीं डाल सकते कि जब एक आदमी और औरत के बीच में बहस हो रही हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि गलती हमेशा आदमी की ही हो। जब एक गंदी फोटो में दो लोग साथ में हो तब भी ऐसा जरूरी नहीं कि फायदा आदमी ने ही उठाया हो। बस इतना सा भरोसा, इतना सा सब ये तो कर सकते हैं ना हम। आज जो मेरे रवि भैया के साथ हुआ कल को वो आपके घर के किसी भी मर्द के साथ हो सकता है। ये स्कैम एक कैंसर की तरह है जो कभी भी किसी के भी घर पे दस्तक दे सकता है। मैं नहीं चाहती कि आपके परिवार का कोई भी शख्स वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़े जो आज मेरे भैया लड़ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है तो प्लीज कॉल कीजिए और हमारा घर टूटने से बचाइए। ये कैंपेन नहीं है, बस एक एक्सपीरियंस है। हैशटैग मर्द को भी दर्द होता है। ये सुनो, दुनिया को दिखाने की कोशिश करे कि वो कितनी अच्छी है। जिसको पता नहीं था उसको भी ढोल बजा बजा के सुनवा दिया सर। नियम अगर औरतों के लिए है तो मर्दों के लिए भी होने चाहिए। इज्जत अगर औरत की है तो आदमी की भी होनी चाहिए, जैसा इस केस में हुआ है। इस केस में अगर किसी की गलती थी तो वो एक औरत की थी। मैं जानती हूँ ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा। अगर आप उसमें से एक है प्लीज हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कीजिए। रवि तो ठीक नहीं हुआ है अब तक। अभी तक कोई कॉल क्यों नहीं आया है? हेलो। हेलो पल्लवी जी, अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोविड के लॉकडाउन के बाद मेरी जॉब चली गई थी, ना बच्चों की फीस भरने के पैसे थे ना घर चलाने के, मुझे भी लोन की जरूरत थी। एक दिन ऐसा ही एक मैसेज आया मेरे पास, एक लिंक था उसमें, मैंने गलती से क्लिक कर दिया और उस एक क्लिक ने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। मेरा फोन हैक हुआ, फोटोज मॉर्फ किए गए, अश्लील पोजेज में मेरे फोटोज दिखा के मुझे भी ब्लैकमेल किया जाने लगा। मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा ताकि मेरे बच्चों तक ये बात न पहुंचे। मैं इस जख्म से आज तक नहीं उबर पाया हूं।
हेलो जी, नमस्कार, बोलिए। हेलो पल्लवी जी, मैं अपने भाई के साथ हुई एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे भाई को अपने स्टार्टअप के लिए कुछ फंड्स चाहिए थी। एक लिंक आया लोन के लिए, उसने उस लिंक पे क्लिक किया और हो गया उसके साथ स्कैम। उसकी गंदी गंदी फोटोज बना दी, पूरी फैमिली में सर्कुलेट करने का डर बिठाया, और जब मेरा भाई पैसे नहीं जोड़ पाया तो उन स्कैम करने वालों ने सच में उसकी मौत की गई फोटोज पूरी फैमिली को भेज दी। उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने लोग थे सबको भेज दिया, और फिर वही हुआ। सब ने यही कहा कि जरूर मेरे भाई ने ही कुछ गलत किया होगा। हमेशा आदमी ही गलत होता है, लड़की भला ऐसा क्यों करेगी। पैसा और इज्जत दोनों खोए। मेरा भाई ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्महत्या कर ली। सुना आपने संध्या भाभी, मम्मी जी, आकाश, चाची जी, ये एक बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे सैकड़ों मर्दों की प्रॉब्लम है जो इस तरह का स्कैम फेस कर रहे हैं। रवि भैया के साथ भी यही हुआ है, प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। कोई कॉमन फ्रेंड या कोई तुम्हारी फेवरेट प्लेस जहां वो जा सकती है? नहीं ऐसे। पल्लवी का आईपैड, उसमें उसकी फोन की लोकेशन पता लग सकती है। आकाश भैया, पल्लवी को लेकर ही लौटना। जी मैम, जी वो कर लिया था मैंने, पूरा कंप्लीट भिजवा दिया आपको लोकल कुरियर से। जी ओके ओके। ये क्या, ये नाश्ता अभी तक टेबल पर है, मतलब खाया नहीं अभी तक किसी ने। वो मम्मी जी, राकेश, राकेश का वेट कर रही हूँ, वो आया नहीं ना अब तक। क्या, राकेश आया नहीं अभी तक? नहीं, और उन दोनों का कॉल भी नहीं लग रहा है। हे भगवान, तन्वी तुझे कुछ अकल वकल है कि नहीं? अगर ये बात है तो फिर हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा ना, यहाँ घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, मतलब मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी ना तन्वी। राकेश, राकेश, राकेश कहाँ कहाँ थे तुम? तुम्हारा कब से कॉल ट्राई कर रही थी, ना तुम्हारा फोन लग रहा था ना जानवी का लग रहा था, तुम्हें पता भी क्या क्या हुआ वहां पल्लो ने ना। तुम ये शर्ट तो नहीं पहन के गए थे? लिपस्टिक। राकेश, कल रात को हम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे। तनु, वो तन्वी, तुम्हें अकल कब आएगी? अरे तुम्हें शर्ट की पड़ी है, अभी अभी तो आए हैं, थोड़ा पानी वानी पूछो, कुछ खाने पीने के लिए दो, पर नहीं, शर्ट की चिंता हो रही है तुम्हें, कमाल है। एक्चुअली कल रात रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और बेचारा राकेश सारी रात लगा रहा उसे ठीक करने में, इसी में ये शर्ट भी खराब हो गई। ओह राकेश, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। मम्मी जी आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ ओके। और राकेश, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम आदमी हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सारी उंगलियां मेरी तरफ उठेंगी।
धूप के जैसे सच्ची हो, छांव के जैसे अच्छी हो। गलत तुम्हें मैं समझता था, सही हमेशा करती हो। डांट लो पर बात करो। मैं इस गधे जैसे पति को प्लीज मेरी जान माफ करो। I'm sorry, baby. I'm really very sorry. Clarification ही दूँगी कि जो मैंने किया है वो गलत ही नहीं, बहुत गलत है। बस ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास तुम पे था, लेकिन उसने जब भैया को ऐसी हालत में देखा ना, तो जैसे कंट्रोल में ही नहीं रह गया और सारा का सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। उससे मैं वो सब कह दिया जो कभी नहीं कहना चाहिए था। शायद अपने इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया था। एक बारी तुम्हारी बात सुनी भी नहीं कि कितनी गहरी बात कहना चाहती हो। ना मैं ना मेरे परिवार में से कोई तुम्हें समझ पाया, ना जान पाया कि तुम हमारे परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना चाहती हो। और परिवार को जोड़ने के लिए तुम टूटती रही, लेकिन उफ तक नहीं किया। हम सबने तुम्हें कितना सुनाया, कितने इल्जाम लगाए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुई पल्लवी। कि मेरी पल्लवी को पता था कि वो जो कर रही हो उसमें सबकी भलाई है, कैसे कर लेती हो यार। क्या हस्बैंड तुम्हारा आकाश इस प्राउड ऑफ यू बेबी, नॉट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। सॉरी पल्लवी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.